YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाए प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। बैंक में व्याप्त अराजकता और राशन वितरण में अनियमितता सहित जनहित के कई मुद्दों को लेकर भाजपा दक्षिणी मंडल अध्यक्ष भूदेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि निधि सुनील माली, किसान मोर्चा अध्यक्ष शिवशंकर सोनी के अलावे कई लोग उपस्थित रहे, जहां 11 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन फैक्स के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भेजे जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। वहीं बैठक में मौजूद भाजपा नेत्री उमा देवी ने बताया कि 1200 रुपए पेंशन के बदले में 220 रुपए की अवैध वसूली बैंक द्वारा लाभुकों से की जा रही है, जबकि राशन वितरण में भी डीलर द्वारा भारी धांधली करने की बात सामने आई है। कहा कि बैठक के दौरान सदस्यों ने काफी रोष व्यक्त किया और व्याप्त भ्रष्टाचार के खात्मे का संकल्प भी लिया गया। रंका दक्षिणी मंडल भूदेश्वर प्रसाद सिंह जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम रखा गया है। हमारे यहाँ मिनी बैंक जो है और बड़ा बैंक के मिली भगत के माध्यम से वृद्धा विधवा पेंशन मिनी बैंक में जो निकालने जा रहे हैं 1200 में 232 रुपया काटा जा रहा है, जो बहुत खेत का विषय है। उसी संदर्भ में हम आज दक्षिणी मंडल की ओर से बैठक रख पाए हुए हैं और जो राशन हमारे यहाँ 2 माह का नहीं मिला है उसका भी मुझे शिकायत मिली है। कौन सा है हमें? वो पूरे हमको लगता है कि रंका प्रखंड का ही मामला है। आज भी मुझे शिकायत मिला और दिन भी मिला कि 2 माह से हम लोग को राशन नहीं मिला है। जो मूलभूत समस्या है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए केंद्र और झारखंड सरकार का जो सपना है वो सही रूप से प्रशासन की ओर से लागू नहीं किया जा रहा है।